ईद मुबारक एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज बहुत बड़ी ईद है, आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं शॉर्टली बता लेता हूँ कि आज हमारे तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की योम विलादत है, यानी इमाम हुसैन का आज बर्थडे है। तो इसी ईद को, इसी खुशी को हम हर साल हस्कर्दू में नहीं मनाते बल्कि हस्कर्दू से थोड़ा दूर हुसैनाबाद में मनाते हैं। तो हुसैनाबाद में हर साल इसी ईद को मनाया जाता है। और सिर्फ यहाँ पे ईद नहीं करते बल्कि खाने की चीज़ें बनी, बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, बहुत फुली माहौल बनते हैं। यार क्या बताऊँ आप लोगों को, सब दिखाएंगे। अभी हम जाएंगे ऊपर, तो अभी कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, खुशबू लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं एक खूबसूरत सेंट मार्टिन के साथ। ये संदल से केसू, ये आरिश गुलाबी, जमाने में लाएंगे एक दिन खराबी, फना हमको कर देना ये मुस्कुराना, अदा का फिराना चलन जालिमाना, दिखाओ ना ये शवो नाज हमको, सिखाओ ना उल्फत के अंदाज हमको, किसी सो फाइनल सिनेमैटिक्स ले लिए भाई, बहुत थका दिया क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं था, तो मैं ट्राईपॉड फिक्स करता था, फिर यहाँ से वॉक करते दोबारा, मतलब बहुत ही मेहनत लगी है। इफ़ यू लाइक द सिनेमैटिक्स गिव मी अ बिग थम्स अप। सो अभी हम जा रहे हैं वीर सिंह हुसैनाबाद, लेट्स गो। इमाम बारगाह यहाँ से हाफ किलोमीटर आगे होने के बावजूद भी रश आपके सामने है। रश तो आप लोगों ने देख लिया होगा भाई, शोर बहुत ज़्यादा हो रही थी तो वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सका, मैं यहाँ साइड पे आके कर रहा हूँ। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि ईद शुरू हो चुकी है और गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, बहुत लोग आए हुए हैं। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी हम जा रहे हैं इमाम बारगाह के अंदर, और अंदर का सीन दिखाते हैं, बाहर का सीन दिखाते हैं। सो चले मेरे साथ चलते हैं। और जब मैं अंदर इंटर हुआ मैं टोटली हैंग हो गया क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर ईद मना रहे थे। लेट मी शो यू। और सबसे इंस्पायर करने वाली बात ये थी कि यहाँ पे ना कोई शिया था, ना कोई सुन्नी और ना ही कोई नूर बख्शा, बल्कि सिर्फ यहाँ पे एक कस्म के लोग थे और वो थे मुसलमान। ग्रीन कलर और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में इमाम बारगाह को फुली सजाया हुआ था। अब थोड़ी बहुत भूख लग रही थी तो मैंने बाहर स्टॉल की तरफ विजिट किया और सबसे पहले मैंने ट्राई किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसको मैं दूंगा 10 out of 9। इट्स टू यमी ब्रो। और बहुत सारे और भी स्टॉल्स थे जिनमें से मटका चाय मैंने ट्राई किया एंड मच मोर एंड मोर। फाइनली यार घर आ चुका हूँ, ईद ख़त्म हो चुकी है। ये वीडियो इतनी लंबी नहीं थी, नॉर्मल थी, 2-3 मिनट की मैंने बनाई है शॉर्ट करके, ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने को था नहीं। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।